नमस्कार आदाब, जेके बी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तराना हयात। आइए देखते हैं देश और विदेश की अहम खबरें। भारी बारिश के कारण दिल्ली में पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइंस मकान की छत का एक हिस्सा ढह गया। केजरीवाल को 2015 में दूसरे कार्यकाल में ये मकान मिला था, जिसका निर्माण 1942 में हुआ था। छत्तीसगढ़ के करवदा का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वहां शराब के पलटे हुए ट्रक से स्थानीय लोग बोतलें लूट कर भागते हुए और पुलिस वाले उन्हें डंडे मारते व बोतलें छीनते दिखे गए। अमेरिका रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान चीन अधिक आक्रामक हो गया है और उसने भारत के साथ लगने वाली LAC पर सैनिकों को तैनात कर दिया है और चीन प्रोपेगेंडा परियोजना वाले अपने लाभ के लिए कोरोना वायरस त्रासदी का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। फेसबुक ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक पोस्ट को हटाया कोविड-19 के बारे में गलत सूचना फैलाने के कारण, और ट्विटर ने भी अस्थायी रूप से ट्रंप के कैंपेन अकाउंट टीम ट्रंप को ब्लॉक कर दिया है। गौरतलब है कि ट्रंप द्वारा शेयर किए वीडियो में ये दावा किया गया था कि बच्चे कोविड-19 से लगभग प्रतिरक्षित है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कोरोना महामारी की अधमानीय स्थिति में इस साल 10वीं-12वीं की परीक्षा में एक या दो विषयों में फेल 2,14,287 विद्यार्थियों को ग्रेस अंक देकर पास कर दिया है। दरअसल फेल छात्रों के लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा होनी थी, जिसके रद्द होने पर बोर्ड ने 10वीं के 1,41,670 और 12वीं के 72,610 छात्रों को पास किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए रवाना किया। बकौल गोयल, सब्जियों और फलों से समुद्र क्षेत्रों से गुजरती ये ट्रेन उत्पादों को खराब होने से पहले बाजार पहुंचाकर किसान व उपभोक्ता दोनों को लाभ पहुंचाएगी। मद्रास हाईकोर्ट ने पतंजलि पर कोविड-19 के इलाज का दावा कर जनता के दर से मुनाफा कमाने के लिए 10 लाख का जुर्माना लगाया और कहा, आपकी कोरोनिल इलाज नहीं बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर थी। पतंजलि पर कोरोनिल ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने से लगी स्थायी रोक। गूगल ने बताया है कि उसने अप्रैल से जून के बीच चीन से जुड़े 2500 से अधिक यूट्यूब चैनल्स को डिलीट कर दिया है। बकौल गूगल, ये चैनल सामान्यता के गैर राजनीतिक और स्पैम वाले कंटेंट पोस्ट करते थे, लेकिन ये राजनीति पर भी कभी कुछ कमेंट करते थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोविड-19 के मामलों का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंचने पर ट्वीट किया, 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले को आर्थिक मदद देगी। बकौल केजरीवाल, दो पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पर 30,000 तक और कार पर 1.5 लाख तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। WHO के इमरजेंसी प्रमुख डॉक्टर माइकल रायन ने बताया कि कोविड-19 की 6 संभावित वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है। बकौल रायन, तीसरे चरण के ट्रायल्स में पहली बार ये संभावित वैक्सीन सामान्य जनता को दी जाएगी। झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता सरोज सिंह ने कहा कि कोविड-19 की आड़ में RJD प्रमुख लालू यादव को रिम्स निदेशक का बंगला आवंटित कर उसमें शिफ्ट कर दिया गया है, जहां नौकर चाकर भी उपलब्ध है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 62,538 नए मामले के साथ संक्रमण की कुल संख्या हुई 20,27,074। भारत में पहली बार एक दिन में 60,000 से ऊपर नए मामले सामने आए और संक्रमण से मरने वालों की संख्या 41,585 हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को लेकर कहा, इसमें कोई विवाद नहीं है कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की भाषा एक होने से बच्चों के सीखने की गति बेहतर होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक बांदा जिले में एक लड़की के घर वालों ने लड़की को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखकर कुल्हाड़ी से मारकर घायल करने के बाद दोनों को जिंदा जला दिया। पुलिस के अनुसार दोनों की मृत्यु हो चुकी है और 4 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, जिनमें से 9 लोगों के ऊपर अब तक कार्रवाई चल रही है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।